कहाँ देख रहे हैं हमने जी तो नहीं आ सके लेकिन मतलब आओ तो उन्होंने नहीं बचते शाहिद भाई फिर कहाँ से आई हैं? सरकंडी से। अच्छा, यहाँ किस लिए आई हैं? रास्ते के लिए आई हैं। आपको यहाँ बैठाल दिया गया? यहाँ क्या हो रहा है? क्या मालूम? बताया नहीं किया। तो आप मसाला खाए हो क्या? कौन सा मसाला? गुटका? कितने लोग आए हो आप लोग? 14। सब लोग रास्ते के लिए आए थे? अच्छा, एक आदमी रास्ता। अच्छा, गांव वाले भीतर बेने थे, इसीलिए यहाँ आई हो। अच्छा, टोपी लगा दी है आपको? अच्छा, कहाँ से आई हैं? अच्छा, किस लिए आई थी? वही रास्ते से। रास्ते के लिए? क्या दिक्कत है? दिक्कत है, सड़क में हुआ, सड़क में घर बना। यहाँ आप लोग किस लिए आई थी? यहाँ आप लोग अपनी समस्या बताने आई थी। हाँ। आप लोगों को यहाँ बैठा दिया गया, किस लिए? कहाँ बैठी हो, आपको पता है? नहीं पता। अच्छा, टोपी भी दे दिए क्या? कोई भी मुद्दा हो, हर मुद्दे को हम तैयार थे सदन के अंदर बहस के लिए। माननीय स्पीकर महोदय ने कहा कि हम बहस के लिए ला रहे हैं, चाहे वो अविश्वास प्रस्ताव लाए हों या कोई भी लाए हों। ऐसा लगा कि कांग्रेस विपक्ष बहस नहीं चाहता, पूरी लोकसभा को हाईजैक करके बाधित करना चाहता है और पूरे बजट सत्र को उन्होंने दोनों सदनों में जिस तरह से लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ाई हैं, उसी के तहत हमारी भारतीय जनता पार्टी NDA के लोगों ने ये तय किया कि ये जो प्रजातंत्र की हत्या हुई है, लोकतंत्र के मंदिर को, विकास के मंदिर को जिस तरह से कांग्रेस ने बाधित किया है, यह कांग्रेस का चरित्र जनता के सामने आना चाहिए। देखिए, हमारा तो जनता से अनुरोध है कि जिस लोकतंत्र के मंदिर में कांग्रेस ने या अन्य विपक्षी पार्टियों ने बजट सत्र को बाधित किया है, ये जनता इसको देखे कि ये जनता के हित में बाधित किया है या सिर्फ अपना अस्तित्व बचाने के लिए किया है। पहली बार लोकसभा के अंदर हुआ है जहाँ की भारत के प्रधानमंत्री जी बोलने के लिए खड़े हों, बोलते वक्त कांग्रेस विपक्ष की तरफ नहीं, प्रधानमंत्री जी के सामने तख्तियां लेकर के खड़े रहे। जिस तरह से कांग्रेस ने पार्लियामेंट को बाधित किया, बाधित ही नहीं किया, पार्लियामेंट के अंदर कांग्रेस ने 44 सांसदों वाली पार्टी ने जिस तरह से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई हैं, मैं ये कह सकती हूँ कि कांग्रेस को ना तो जीत हजम होती है ना हार हजम होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण को बाधित करने के लिए 1.5 घंटे तक प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहती हूँ कि इतने शोर शराबे के बाद भी प्रधानमंत्री जी ने अपनी बात रखी। लेकिन कांग्रेस पूरे 1.5 घंटे तक, जबकि हमारी सरकार ने कांग्रेस से कहा था कि जो भी मुद्दा आप लाएंगे उसको हम बहस के लिए तैयार हैं,